खबर कानपुर से है, जहां के एक बाल आश्रम में तीन बच्चियों ने 10 दिनों के भीतर दम तोड़ दिया है। रनिया इलाके की यह घटना बताई जा रही है। यहां के अल्पावास गृह में कुपोषण की वजह से इन बच्चियों की मौत की खबर है। इस आश्रम के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक 8 बच्चे कुपोषण की वजह से दम तोड़ चुके हैं और इस आश्रम में जगह जगह गंदगी का ढेर है। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के किचन में भी गंदगी भरमार है। बच्चों के कमरे में सही तरीके से रोशनी तक नहीं आती, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। अब इन बच्चों की सहायता के लिए समाजसेवी संगठन आगे आए हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ही यहाँ कर रहा है। तीन बच्चे आए थे, तीनों डायरिया से पीड़ित थे, जिसमें एक सीरियस था, उसको कानपुर भेज दिया, बाकी लोग आज सुबह आए थे। क्या मतलब सफाई तो गंदगी है वहाँ पर, काफी बच्चे कुपोषित हैं। छोटे बच्चे रहेंगे तो गंदगी तो होगी थोड़ी बहुत, खाना देते हैं सर, वही दिया जाता है खाना। योगेंद्र प्रताप सिंह है हमारे साथ इस खबर पर। योगेंद्र, ये बताइए, दिसंबर से लेकर अब तक 8 बच्चे कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। क्या प्रशासन तब से लेकर अब तक आंखें मूंदे हुए है? कोई शिकायत इस पर नहीं की गई और अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या खानापूर्ति ही हो रही है? जी शिल्पी, बिल्कुल, ये काफी गंभीर प्रकरण है और इसमें हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन ने अब तक सिर्फ जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजने के अलावा खुद जिलाधिकारी ने इस अनाथ आश्रम में जाने की जहमत नहीं उठाई है। बड़ी बात यह है कि मामला ये खुलकर सामने भी नहीं आता, क्योंकि बीती 9 तारीख और 12 तारीख और 6 तारीख को लगातार जब तीन बच्चियों की मौतें हुई हैं, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और मीडिया पे आई खबरों के बाद फिर जिलाधिकारी ने जहमत उठाई और जिला प्रोबेशन अधिकारी को ही मात्र भेजा। बड़ा सवाल ये उठता है, जब इस तरह से, जब हम लोगों ने देखा, हमारे कैमरे ने देखा, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से गंदगी का अंबार वहां है। और साल 2014 में भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें साफ तौर पर बच्चों के सर पे जो बाल दिखाई पड़ रहे थे वो साफ एकदम दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चे कुपोषण का शिकार है। बावजूद इसके उस वक्त भी तत्कालीन जिलाधिकारी मासूम अली सरवर ने एक जांच जरूर बैठाई थी, लेकिन जांच के अगर नतीजे देखे जाएं तो कुछ भी नहीं निकला और लगातार इस अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ इसी तरह से जो कुपोषित भोजन है उन्हें वो दिया जा रहा था। गंदगी जिस तरह से है वो सामने है आपके, और जिला अस्पताल में जो इलाज की बात की जाए वो भी कोई ढंग का इलाज उन्हें नहीं मिला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं ऐसे मासूमों पर भारी पड़ रहा है, जिन मासूमों को उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया और उनके हालात। योगेंद्र, ये बताइए, इस क्या, क्योंकि अभी हमने इनका बयान भी सुना था, वो बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे होंगे तो गंदगी होगी ही, लेकिन ये बताइए क्या अनाथ आश्रम की तरह से कई तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर प्रशासन की तरफ से अगर इनके पास थोड़ी बहुत मदद पहुंचती भी थी तो वो मदद आखिर जा कहां रही थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की लापरवाही है इसमें? शिल्पी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे अनाथ आश्रम में जो ये प्रकरण सामने आया उसमें कहीं ना कहीं एक एनजीओ की आड़ में जो कमाई का खेल होता है वो खुलकर सामने नजर आ रहा है। क्योंकि जब हमने अनाथ आश्रम के अंदर जाने की कोशिश की तो हमें पहले रोका गया, अनाथ आश्रम के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जब हम लोगों ने अनाथ आश्रम में घुसकर अंदर जाकर हकीकत देखी तो तस्वीरें सब कुछ साफ बयां कर रही हैं, किस तरह से गंदगी का अंबार वहां है, किस तरह से अनियमितताओं को अगर देखा जाए तो वो सामने नजर आ रही है। जबकि उनके रिकॉर्डों के मुताबिक हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं दिसंबर 2015 से लेके अब तक के, ये खुद अनाथ आश्रम के आंकड़े हैं। जी, शुक्रिया योगेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।